दोनों में से किसका मेन्यू बेटर लग रहा है? मेरे को तो इसका मतलब ज्यादा लुक में बेटर लग रहा है, रिफ्रेश फील हो रहा है इससे। तो फाइनली हमारे पास दो वॉचेस हैं, आपको पता चल गया होगा, एक तरफ है अमेज़ फिट पॉप 2 और एक तरफ है डिजो वॉच डीटॉक। डिजो वॉच डीटॉक जो है ना, डिजो वॉच डी, अगर मैं कंपेयर करूँ डिजो वॉच डी को अमेज़ फिट पॉप 2 से, एक्जैक्टली सिमिलर है। डिजो वॉच डी आप समझ सकते हो वाली वॉच है, बट इसमें कॉलिंग फैसिलिटी ऐड कर दी गई, दैट्स इट। और लुक और फील तो इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे डिजो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको अमेज़ फिट की ब्रांडिंग तो नहीं मिलती तरीके से, बट अगेन ये जो एक्सेंट वाला रेड एक्सेंट का बटन मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही, देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन द कैमरा। और यहाँ पे करने के लिए इसको ख़त्म, ब्राइटनेस फुल करनी पड़ेगी, अभी भी फ्लिकर कर रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फुल करने पे ब्राइटनेस आप देख सकते हो, ज़्यादा ब्राइट मेरे को ये लग रही है। इवन TFT LCD पैनल उसके बावजूद भी यहाँ पे इन ब्राइट है गाइज। तो यहाँ पे डिजो वॉच डीटॉक डिस्प्ले के मामले में कह सकते हो यहाँ पे स्लाइटली अच्छा काम कर रही है, मतलब इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ठीक है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं ब्राइटनेस। उसी के साथ साथ अपने भी कोई ऐसा वॉच पे लगा सकते हो। और बेजल्स आपको इस तरीके से मिल जाती है, दोनों में ही बराबर मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे कह सकते हो थोड़ी सी इसमें सिमेट्रिकल मिलती है, मतलब नीचे की साइड से देख सकते हो, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। और बटन तो प्लेसमेंट देख सकते हो, मोटापा देख सकते हो किसका है किसका कम है, बटन टैप करते ही आप होम पे आते हो। और स्टेनलेस स्टील का डायल है, यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है आपको। और गाइस यहाँ पे बैक में डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे SPO2 चार मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है, और माइक का कहाँ गया, माइक का ऊपर को मिल जाता है इसमें, यहाँ पे ये रहा। और यहाँ पे आपका माइक का ये रहा, इधर है कि इधर, मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, दो मिल जाते हैं यहाँ पे वेंट। और यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज है, इवन इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, डिजो वॉच डीटॉक में आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता। दूसरी अच्छी बात है इसमें कि वॉइस असिस्टेंट के साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें आपको TFT LCD पैनल मिलता है। अभी तक इस कंपैरिजन को एंजॉय करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। यहाँ पे वेट की बात मैं करूँ तो 52 ग्राम्स की 54 ग्राम्स की, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे साइड बाय साइड रखोगे तो ज़्यादा आपको लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना ही बकल पे कहीं भी ब्रांडिंग नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको डिजो की ब्रांडिंग मिल जाती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑन करते हैं, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉगल मेनू मिल जाता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्जैक्टली सिमिलर देख सकते हो, एक्जैक्टली सिमिलर UI टाइप का मिलता है। और यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आप होम पे पहुँच जाते हो, यहाँ पे होम पे नहीं जाते, बटन टैप करके आप आ जाते हो यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे ये वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये आपका होम वापस से शॉर्टकट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है। और नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे डिजो में भी हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करता है, नीचे की साइड से मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, ऊपर की साइड से इस तरीके से खुलता है, इसमें इस तरीके से मिलता है, एक्जैक्टली सिमिलर मिलता है। यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन इसमें दोनों में नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता, एक्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे ब्लूटूथ कॉल मीडिया वॉल्यूम ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मीडिया वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, फ़ोन से ऑडियो ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे मोड का ऑप्शन मिल जाता है, रिंगटोन वाइब्रेशन या ओनली म्यूट का, ठीक है। और यहाँ पे यहीं से मीडिया ऑडियो चूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ रेस टू वेक का ऑप्शन तो है ही है, पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, और इसमें भी हम सेटिंग पे जाने के लिए हमको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग पे। और यहाँ पे सबसे ऊपर मेन्यू स्टाइल है, मेन्यू स्टाइल में लिस्ट 9 वाला और यहाँ पे ये वाला मिल जाता है। यहाँ पे भी 9 ग्रिड्स कर लेते हैं, दोनों में 9 ग्रिड्स चेक करेंगे किस में मतलब बेटर लुक आ रहा है, ठीक है। और वॉच फेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे 4 मिल जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें भी आपके 4 ही मिलते हैं मेरे ख्याल से, फिक्स है, मतलब 4 मिल जाते हैं, दैट्स इट। तो ज़्यादा है नहीं गाइस, यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलते हैं, और इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। और चलते हैं वापस से मेन सेटिंग पे, यहाँ पे भी सेटिंग पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर दिए गाइस सच में, मतलब अमेज़ फिट पॉप 2 ये थोड़ा सा इशू है पॉप 2 में। सेटिंग वाला ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे स्क्रीन टाइम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी AOD टाइम है, AOD क्लॉक है, यहाँ पे स्क्रीन टाइम मेरा यहाँ पे 25 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे 20 सेकंड का मिल जाता है, और दोनों में यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी ओके हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी, एक QR कोड है, रीसेट है, पावर ऑफ है, रीबूट है, दैट्स इट। यहाँ पे और चीज़ें मिलती हैं, AOD क्लॉक आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे बैटरी सेवर भी ऑन कर सकते हो, जैसे कि 50% बैटरी है इसमें। और QR कोड है, पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों सपोर्ट करती है, यहाँ पे हिंदी सपोर्ट नहीं करता। रीसेट है, पावर ऑफ है, दैट्स इट। यहाँ पे होम पे आ जाते हो, यहाँ पे टाइप करके आपका ये मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू खुल जाता है। अब आप मेरे को बताना कि दोनों में से किसका मेन्यू बेटर लग रहा है, मेरे को तो इसका मतलब ज़्यादा लुक में बेटर लग रहा है, रिफ्रेश फील हो रहा है इससे। तो गाइस वैसे दोनों ही वॉचेस कनेक्ट हो चुकी हैं, हम चेक करेंगे यहाँ पे कॉल क्वालिटी दोनों ही वॉचेस की। यहाँ पे हम मिला लेते हैं कॉल, इसमें भी मिला लेते हैं,
तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस कनेक्ट हो चुकी हैं। कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम मिला लेते हैं कॉल दोनों में ही। यहाँ पे रीसेंट कॉल पे चलते हैं और यहाँ पे इस पे भी चलते हैं, ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं। काफ़ी लाउड है, डिजो वॉच भी लॉक की बात ही अलग है, ज़्यादा लाउड है गाइस। यानी उसमें बकाया राशि शून्य से भी कम है। कम नहीं हो रहा है तो इस तरीके से मैं जाता है कि इस लाउडनेस डिजो वॉच भी टॉक में ज्यादा मिलती है। इसमें ट्रांसफर भी कर सकते हो, यहाँ से कट कर देते हैं और इस तरीके से कट हो जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं, वॉइस असिस्टेंट चेक करके क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ही चलता है सिर्फ, इसमें वॉइस असिस्टेंट है नहीं। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? तो इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। अब गाइस और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे उसके बाद कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट है और यहाँ पे आपका ये डाटा शो करता है यहाँ पे इस तरीके से। वन सेकंड, डाटा कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट ओवर टू द एयर चेक करते हैं, नहीं बता रहा है, तुरंत यहाँ पे वो कर दिया इसने, वार्न कर दिया। और यहाँ पे एस पी टू द मोटर भी चेक कर लेते हैं जब तक, यहाँ पे नहीं बता रहे, अच्छी बात है। और तब तक हम एक बार और चेक कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है। इसमें देखो नहीं बता रहा है, बैक करते हैं एस पी ओ टू, यहाँ पे एस पी ओ टू चेक कर लेते हैं, नहीं बता रहा है, एक बार और नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, नहीं बता रहा दोनों में से किसी में भी। और ओवर टू द सर्फेस पे करना सही रहेगा, चलो कर लेते हैं ओवर टू द सर्फेस भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बता रहा है फिलहाल, मेरे ख्याल से सेंसर बंद है, वैसे भी नहीं बताएगा। तो ओवर टू द सर्फेस चेक करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं बता रहा है, ठीक है। अब ओवर टू द सर्फेस चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे इसमें भी मैं लगा देता हूँ हार्ट रेट, नहीं बता रहा इसमें, तो तुरंत एस पी ओ टू, नहीं बता रहा है, इसमें भी नहीं बता रहा है एस पी ओ टू, तो गाइस वैसे दोनों में ही यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे दोनों में से किसी में भी आपका हार्ट रेट या एस पी ओ टू ओटू तो सर्फेस नहीं बताता है, इसमें भी नहीं बताएगा, अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब और चीज़ चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा यहाँ पे और हम अपने वॉलपेपर को चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दोनों में से किसी में भी नहीं बताया है। अब यहाँ पे मेन्यू पे चलते हैं वापस से, उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, यहाँ पे भी स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे यही बात है, मतलब ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे ये रहा वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाता है, और उसके साथ साथ वर्कआउट मोड्स, यहाँ पे वॉकिंग, ठीक है, साइकिलिंग लग गया फिर से, देखो ये तो दिक्कत है, वॉकिंग, यहाँ पे वॉकिंग कर लेते हैं, 50 steps, फाइनली 50 steps डन, 55 दिखा रहा है और यहाँ पे 51 दिखा रहा है, तो ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेटली यहाँ पे अमेज़फिट की वॉच मिल जाती है, ठीक है। हम ऑफ करते हैं दोनों में इस तरीके से, ठीक है, और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपका कैमरा शटर है, यहाँ पे वेदर अपडेट्स है, यहाँ पे आपका ये स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, और यहाँ पे अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते, इसमें आप लगा सकते हो, ये प्लस पॉइंट है अमेज़फिट की वॉच में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच मिल जाता है, यहाँ पे टाइमर मिल जाता है, यहाँ पे भी टाइमर मिल जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्या मिलता है, ये फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, इसमें फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है ये रहा, और साथ ही में यहाँ पे फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है डिजो वॉच डी टॉक में, बट ऑन द एप्लीकेशन। यहाँ पे गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें गेम्स नहीं मिलते हैं अमेज़फिट की वॉच में। यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, टॉर्च लाइट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है। वैसे मेरे को गाइस डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की सेम लग रही है, इसमें एवलेट डिस्प्ले उसके बावजूद भी मतलब सेम लग रही है, और यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है, इसमें गेम्स नहीं मिलते, इसमें गेम्स मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों को हाथ पे पहन लेते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, दोनों में से एक्यूरेसी किसकी बेटर मिलती है। दोनों को ही गाइस मैंने पहन लिया, दोनों ही कमाल की लग रही हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर आप लार्ज रिस्ट के लिए ले रहे हो दोनों ही वॉचेस तो कमाल की लगेंगी, मीडियम रिस्ट पे भी ठीक लगेगी, बट थिन या स्किनी रिस्ट वाले भूल जाएं। मेरे मीडियम रिस्ट है देखो इस तरीके से लग रही है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर ऑन कर लिया और यहाँ पे हम चेक करते हैं,
हार्ट रेट, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे एक्यूरेसी मिलती है। लुक और फील तो दोनों का ही कमाल का आ रहा है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 80 दिखा रहा है आपका डिजो वॉच डीटॉक में, और यहाँ पे 96 दिखा रहा है स्पीड टू लेवल मॉनिटर, और 79 हार्ट रेट दिखा रहा है, 79 हार्ट रेट, ओके 77 80, तो क्लोज टू एक्यूरेट आप मान सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, ऑक्सीमीटर के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की बात हम करें, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 97 दिखा रहा है, ठीक है। अब गैस दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? देखो डिजो वॉच डी टॉक आपको जो मिल रही है वो आपको 3500 में मिल रही है, और ये जो अमेज़फिट पॉप 2 है आपकी मिल रही है 4000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में। 4000 में थोड़ी सी महंगी है, डेफिनेटली महंगी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक नहीं काम करता है, और मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया जो कि डिजो वॉच डी टॉक में मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें इसको पीछे ला देती हैं। और एमोलेड डिस्प्ले है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये 3500 से कम में मिलती है अमेज़फिट पॉप 2 तो आप जा सकते हो, बट 4000 में मैं रिकमेंड नहीं करता। डिजो वॉच डिटॉक 3000 रुपये से अंडर मिलती है तो आप ले सकते हो, ठीक है गाइस। और ये था एक डीडाउन कंपैरिजन, वैसे मेरा वोट जाता है अमेज़फिट पॉप 2 को। और अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, एमोलेड डिस्प्ले अगर मैं कंसिडर करूँ तो, और वैसे डिजो वॉच डिटॉक भी अच्छी है, बट डिजो वॉच डिटॉक थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन लेके आती है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब थोड़ी सी मोटी लगती है, देख सकते हो साइड बाय साइड में से, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।